एक ऐसा त्योहार जिस त्योहार में भगवान को ही गाली दी जाती है, दिल भर के भला बुरा कहा जाता है, बहुत गंदे गंदे शब्द कहे जाते हैं। ऐसा त्योहार इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है दोस्तों। आज के इस वीडियो में इसी तरह के हैरान कर देने वाले हम पांच त्योहारों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कम ऑन यार, मतलब ऐसे फेस्टिवल्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते क्यों है, कैसे करते हैं और ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करके आखिर लोगों को मिलता क्या होगा और क्यों करते हैं, क्यों करते होंगे। जी दोस्तों, तो ग्लेडी टैक्स से एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में पांचवें नंबर में आता है एक ऐसा फेस्टिवल जो कि स्पेन में मनाया जाता है, जिसे द जंपिंग बेबी फेस्टिवल भी कहा जाता है, और इसका जो रियल नाम है मैं लेने की कोशिश करता हूँ, एल कोलाको है। एल कोलाको नाम का ये फेस्टिवल जो कि हर साल मनाया जाता है स्पेन में, सन 1600 से मनाया जा रहा है, इतना पुराना है, 1600 से अभी तक मनाया जा रहा है। हाँ, इस फेस्टिवल में क्या होता है, जो कुछ आदमी होते हैं ना वो शैतान की तरह तैयार होते हैं, शैतान की तरह कपड़े पहनते, उनके कपड़े पीले और लाल रंग के होते हैं ज्यादातर, और ऐसे बच्चे जो पिछले 12 महीनों में पैदा हुए हैं, पिछले 12 महीनों में उनको बीच सड़क में लेटाया जाता है, बहुत सारे लोगों को भीड़ लगती है, बहुत सारे लोगों की भीड़ लगती है, इसमें ऐसा नहीं कि एक दो लोगों के सामने होता है, बहुत एकदम झुंड में लोग सामने आते हैं, रोड में आते हैं, और जो नए नए बच्चे जिनके घर पे भी होते हैं, नवजात शिशुओं को जो 12 महीने तक की उम्र होती है जिनकी, उनको रोड में रखा जाता है और गद्दा बिछाया जाता है, मतलब गद्दे के ऊपर उन बच्चों को रखा जाता है, और ये जो आदमी जो इस तरह के कपड़े पहने हुए रहता है वो बच्चों के ऊपर से कूदता है। सोचो मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मतलब 12 महीने से कम के बच्चे, उनके ऊपर कोई कूदता है और बच्चों को कुछ भी नहीं होता है, उनके ऊपर से कूदता है, मतलब जंप करते हैं उनके ऊपर से बार बार जंप करते हैं उनके ऊपर, और से, मतलब ये बहुत समय से किया जा रहा है वहाँ पे, 1600 सदी से किया जा रहा है, मतलब बहुत टाइम हो गया, अभी भी शायद कंटिन्यू है, 1600 सन से, हाँ सॉरी, और अभी तक कंटिन्यू है। लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि इतने खतरनाक रिचुअल में आज तक सिंगल इंजरी भी रिपोर्ट नहीं हुई है, एक मतलब सिंगल बच्चे को भी इतनी सी चोट नहीं आई है, किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब उनकी आस्था है देखा जाए तो, और जो भी है जैसा भी है, अभी बच्चों के साथ रिस्क तो नहीं लेना चाहिए, रिस्क क्यों लेना, लेकिन तो भी उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, और आज तक कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं। अब तो ये शौक होने वाला था, मैं हंसने वाला एक फेस्टिवल बताता हूं। चौथे नंबर में आता है मंकी बफे फेस्टिवल, जो कि हाँ थाईलैंड में मनाया जाता है, लोपबरी नाम की एक जगह होगी वहां पे मनाया जाता है। क्या होता है कि यहाँ पे इस गांव में ना तकरीबन 2000 से 3000 लोग रहते हैं, लोगों के घर पे खाना बन रहा है ऐसा लग रहा है आसपास, सिटी की आवाज आ रही है। तो इस गांव में ना खैर 2000 से 3000 लोग रहते हैं, और ये 2-3 हजार लोगों के सामने बफे सिस्टम जो होता है ना खाना खाने वाला, कि आप अपनी प्लेट लेके जाओ, खाना निकालो, हाँ, खुद से निकालो, खुद से खाओ, तो वैसे ये जो 2-3 हजार लोग हैं बंदरों की तरह कपड़े पहनते हैं, बंदरों की तरह अपना हुलिया बनाते हैं, मतलब जो उनका कॉस्ट्यूम रहता होगा जो भी पहनते होंगे वो बंदरों के हुलिया वाले कपड़े पहनते होंगे, हाँ पूरे बंदर बन जाते हैं इंसान, और उनके सामने कई हजार किलो, मतलब लगभग 4000 किलो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, केक्स, कैंडीज हर नवंबर को रखे जाते हैं, हर साल के नवंबर में, और उसको सब लोग खाते हैं जितने लोग बंदर बन के आते हैं, और म्यूजिक लगाते हैं और बहुत डांस करते हैं, रात भर पागल की तरह खुशी मनाते हैं। ये मेरे को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, ऐसा लगा था यहाँ पर काश मैं भी होती, बंदर बन के मस्त जितना खाना है जो खाना है मस्त दबा के खाओ और मस्त फेस्टिवल मनाओ, बहुत सही यार देखा जाए तो, हाँ, बहुत खाते हैं 4000 किलो, मतलब 2-3 हजार लोग हैं सिर्फ इस गांव में, और उनके सामने 4000 किलो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, केक्स और कैंडीज रखी जाती है, कितना खा सकते हैं, मतलब पूरे एक दो दिन से भूखे रहते होंगे पता चले, तभी तो इतना ठोसते होंगे, वरना इतना ठोसने के लिए पेट में जगह भी तो चाहिए, और बहुत खुशी मनाते हैं। हाँ। जो फेस्टिवल है ना पहली बार 1989 में मनाया गया था यहाँ पे, तब से मनाना चालू कर दिया अभी तक, और इस फेस्टिवल को बनाने के पीछे एक मकसद भी था, 1989 में दरअसल यहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन थे इस जगह को लेकर, जो मतलब जो रिप्रेजेंट करते थे इस जगह को, उन्होंने सोचा कि इस जगह का टूरिज्म बढ़ा जाए, तो टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये लोगों ने सोचा कि दुनिया से कुछ हटके करते, कुछ यूनिक करते हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट लोग इस जगह से अट्रैक्ट हों, इस जगह के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, तो वो लोगों ने ये सेलिब्रेशन शुरू किए पहली बार, और अब ये हर साल नवंबर में मनाया जाने लगा, और उन लोगों की भी मतलब बात सोच सही साबित हुई, आज इनका नाम पूरी दुनिया में सब लोग जानते होंगे, हाँ, और मतलब एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट मस्त निकल गया,
मतलब अलग ही, सबसे अलग है, वैसा कोई नहीं मनाता वैसे फेस्टिवल। यार इसको कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब क्या दिमाग रहा होगा कि ये करते हैं ये चलेगा, इससे पूरी दुनिया जानेगी और अब जान रही है, जान रही है, और लोग देखने के लिए आएंगे ही आएंगे। मतलब इंसान बंदर की तरह हरकतें कर रहे तो लोगों को एक्साइटमेंट होती है, अरे यार चलो हम भी देखते हैं, कुछ डिफरेंट है ना, अलग दिख रहा है। हाँ पता नहीं इसमें दूसरे लोग हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, अगर ले सकते होंगे तो मैं जाना चाहूंगी, मौका कभी मिलेगा तो मैं भी जाना चाहूंगा जब सब कुछ ठीक होगा। खैर तीसरे नंबर में इसी तरह का हैरान कर देने वाला एक और फेस्टिवल आता है जो कि कनाडा में मनाया जाता है, इंटरनेशनल हेयर फ्रीजिंग, जिसका नाम है इंटरनेशनल हेयर फ्रीजिंग कॉन्टेस्ट। ये भी बड़ा यूनिक कॉन्टेस्ट है, ये भी बड़ा यूनिक फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है, इस फेस्टिवल में यूकॉन नाम का एक गांव है या फिर एक इलाका है समझ लो यूकॉन, यहाँ पे क्या होता है कि फरवरी से मार्च के आसपास, मैक्सिमम ये फरवरी में ही होता है, जो बहुत सारे लोग जो होते हैं यहाँ पे हॉट पूल्स है, जो ऐसे पूल जहाँ पे गर्म पानी होता है, उसका नाम है ताकिनी हॉट पूल। यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और अपना जो सिर है उसमें डुबो देते, सिर्फ ऐसा बाल वाला हिस्सा ऐसा डुबो के रखते हैं, एकदम गर्म पानी से जब उनके बाल भीग जाते हैं ना, एकदम गर्म हो जाएंगे ना अभी, एकदम पूल गर्म पूल में ऐसा सिर डुबो के रखे, फिर निकालेंगे एक साथ और अपने बालों को -30 से लेकर -22 डिग्री के आसपास तक फ्रीज करेंगे। इससे इनके जो बाल है वो फ्रीज हो जाएंगे और इनकी जो हेयर स्टाइल बनेगी वो है इनका सेलिब्रेशन। फिर देखेंगे कि किसकी सबसे अच्छी हेयर स्टाइल है। ये तो बिल्कुल अलग है यार, मेरा दिमाग घूम गया सुन के इसके बारे में, बिल्कुल अलग है। एक तो बाल को गर्म पानी में डाल रहे हो, एकदम गर्म गर्म खौला रहे हो उसको बाल को। उसका रीजन होता है कि अगर आप कोई भी गर्म, तुमको ये बात पता है कि नहीं, गर्म पानी और ठंडे पानी को, तुम ये बताओ गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों अपने एक अलग अलग बोल में लिए, उसको अपन ने फ्रीजर में रख दिया, तो दोनों में जल्दी ठंडा कौन सा पानी होगा, गर्म। तो यही रीजन है, वो लोग अपने बालों को पहले गर्म करते हैं और फिर उसके बाद ठंडा करने के लिए उसमें जो भी जिस तरीके से वो फ्रीज करते हैं करते हैं, ताकि उन लोगों की जल्दी ऐसे उनके बाल ऐसे उठ जाते हों, किसी के ऐसे टेढ़े होते हों, किसी के मेढ़े होते हों, नहीं अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल करते होंगे। हाँ। क्योंकि जिनका सबसे अच्छा हेयर स्टाइल रखता है उनको कैश प्राइज मिलता है। कनाडा में तो अपने इंडियंस पंजाबी बहुत ज्यादा रहते हैं, कनाडा वही तो है कि वहाँ पे तो वो भी सेलिब्रेट करने जाते होंगे, उनको तो मौका आराम से मिल जाता होगा। लेकिन अगर पगड़ी वाले सरदार रहते होंगे तो नहीं करते होंगे। हाँ, वो लेकिन नहीं कर जो सकते। नॉर्मल लोग जो रहते होंगे वो करते ही होंगे। हाँ। खैर दूसरे नंबर में एक और फेस्टिवल आता है जिसका नाम है वर्ल्ड टू रेसलिंग, जो कि इंग्लैंड यूके में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में क्या होता है पता है कि अपने जो पैर का अंगूठा जो होता है ना, टू होता है ना, उसको ऐसा लड़ाया जाता है एक दूसरे से, ऐसा ऐसा ऐसा, और जिसने भी दबा लिया, जिसने भी हरा दिया वो हो गया विनर। एक दूसरे का अंगूठे से लड़ाएंगे, जैसे आर्म रेसलिंग होती ना, पंजा लड़ाना। हाँ। वैसे अंगूठा लड़ाना होता है यहाँ पे, अंगूठा लड़ाते हैं, जिसके अंगूठे ने जिसके अंगूठे को दबा दिया वो गया। हाँ। है? ओह क्या मजा आ गया सुन के। ये जो फेस्टिवल है पहली बार 1970 में यहाँ पे बनाया गया था, बस इसलिए बनाया गया था कि बस ऐसे ही हमको कुछ अलग एंजॉयमेंट के लिए, नहीं हमको कुछ अलग दुनिया को देना है। हाँ। कुछ अलग देने के चक्कर में उन्होंने ये टू रेसलिंग निकाली। ये सब कुछ पागलपंती दूसरे देश वाले करते हैं, अपन लोग क्यों नहीं करते हैं? ये अपन पता नहीं, ये हम लोग नहीं करते। अपन क्यों नहीं करते? अपन तो कुछ भी ऐसा बकवास नहीं रहते हैं सही में। हमारे जो भी फेस्टिवल है बहुत ज्यादा सेंसिबल, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं मानने वाले। हमारे हर एक फेस्टिवल के पीछे कुछ ना कुछ अच्छी बड़ी कहानी जुड़ी रहती है, कुछ ऐसी कहानी जो बहुत ही हिस्टोरिक, बहुत ही अमेजिंग, यूनिक होती है। हर एक फेस्टिवल, इंडिया कोई भी फेस्टिवल उठा लो, वही तो उसके पीछे की स्टोरी जानोगे ना आप तो बड़ी खुशी होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लोग हर चीज के रिस्पेक्ट करते हैं, सूर्य के रिस्पेक्ट करते हैं, चंदा के रिस्पेक्ट करते हैं, पेड़ पौधे के रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हमको क्या दे रहे हैं, हमको बहुत फायदा, हम कौन से, हमको सूरज से फायदा, चंदा से फायदा, हमको हर चीज से फायदा, तो हर चीज की पूजा करते हैं इंडिया में, रिस्पेक्ट देते हैं इंडिया में बहुत। और उसी के साथ साथ इंडिया में एक और फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि फर्स्ट नंबर में आता है। इस फेस्टिवल के बारे में मैंने भी सुना तो मैं भी काफी ज्यादा हैरान हुआ। थ्रिशूर नाम की, थ्रिशूर ही पढ़ते होंगे ना। हाँ, थ्रिशूर नाम की केरला में एक जगह है, यहाँ पे भगवती टेम्पल है। इस टेम्पल का नाम मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ फिर से, कोडुन गल्लूर भगवती टेम्पल है। इस टेम्पल में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, वो फेस्टिवल पता है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भरणी, नहीं इस फेस्टिवल का नाम होता है भरणी फेस्टिवल, भरानी
भराणी फेस्टिवल जो कि मार्च और अप्रैल के आसपास मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में जो माता काली की मूर्ति होती है उसके सामने लोग इकट्ठे होते हैं और जोर जोर से गालियां देते हैं, गालियां गंदे गंदे शब्द बोलते हैं। क्यों कैसे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझा मतलब। और गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हैं, गंदी गंदी लाइंस बोलते हैं, हर अपनी जिंदगी में जितना भी बुरा हुआ रहता है उसके लिए ब्लेम करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं, बहुत भला बुरा। मैं पहली बार सुन रही हूँ ऐसे फेस्टिवल के बारे में, मतलब कमेंट नहीं करना चाहते लेकिन पता नहीं क्यों अलग सा लग रहा है, अजीब सा, मतलब कैसे गाली दे सकते हैं। और वहाँ के लोग बोलते हैं, इस मंदिर से जुड़े हुए लोग और ये फेस्टिवल में जो लोग सेलिब्रेट करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि ये करने से मतलब हमारे जो पाप है वो खत्म हो जाते हैं, परेशानियाँ खत्म हो जाती है। ऐसे कैसे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मतलब गाली देने से भगवान को कैसे परेशानियाँ खत्म हो सकती है। और फिर ये जो फेस्टिवल होता है उसके नेक्स्ट डे प्यूरिफिकेशन की एक रिचुअल को मतलब शुद्धिकरण किया जाता है, और शुद्धिकरण करने के बाद बोलते हैं अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर भी ये बहुत शायद वो ना भड़ास निकालते होंगे अपनी जिंदगी में जो भी चीजें हैं, और एक बार इंसान भड़ास निकाल लेता है उसका मन के शांति मिल जाती है उसके मन को, तो शायद हो सकता है कि मन के शांति के लिए कुछ टाइम पहले लोगों ने स्टार्ट किए होंगे, कुछ सालों पहले, तो वही अभी तक चलता आ रहा होगा। क्योंकि किसी को कोई गाली, कोई बहुत गुस्से में किसी को गाली देता है, उससे झगड़ा कर लेता है, फिर वो शांत हो जाता है। शायद हो सकता है ऐसा कुछ होगा, ये गलत है सही। अब हमको नहीं पता क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बट जो भी अच्छा नहीं लगा सुन के जो भी है, सही बात है, ऐसा है बस। खैर इसी तरह के बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स थे दुनिया में जिनके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उनको वापस से रिवाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम वो उसे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और इसका पार्ट टू लेके आएंगे। हाँ, पार्ट टू ला सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो इतना ज्यादा नहीं चला था और शायद अभी अवेलेबल है या नहीं, या फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया था, मुझे याद नहीं है। हाँ। तो हम लोग जरूर बनाएंगे अगर आप लोगों को पसंद आया हो। ऐसे मतलब आपको और भी स्टोरी चाहिए, उसका पार्ट टू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट टू लिख देना। हाँ, हम कोशिश करेंगे, प्रॉमिस नहीं कर सकते। खैर अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमें पहली बार देख रहे थे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करें। इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस हम लोग रेगुलरली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम दोनों के ही क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए, वहां पर हम लोग बहुत अतरंगी कंटेंट बना रहे, देख के मजा आएगा। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।